हाय, वेलकम टू प्लस माइनस इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन पेपर का सेट है 65:1, यानी कि सेकंड सेट। ठीक है, चल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट रफली 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लेफ्ट हैंडेड। तो कितने 12% है जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का वो लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, अच्छा, अब आगे गिवन है, ये डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, बाकी इस डायग्राम की सभी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ रिटन है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट्स द चांसेज ऑफ हैविंग ए लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड आर एज फॉलोज। पेरेंट्स के ऊपर, मतलब पेरेंट्स पे डिपेंड तो करता ही है। ठीक है, व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड, दिस इज द इवेंट ए, देन द चांसेज ऑफ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज 24%। फिर अगला है, व्हेन फादर इज राइट हैंडेड एंड मदर इज लेफ्ट हैंडेड, तो चाइल्ड के लेफ्ट हैंडेड होने के चांसेज है 22%। इवेंट सी है हमारा, व्हेन फादर इज लेफ्ट हैंडेड एंड मदर इज राइट हैंडेड। ठीक है, चांसेज ऑफ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज 17%। डी इवेंट है, व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर राइट हैंडेड, देन द चांसेज ऑफ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज 9%। ठीक है, अच्छा, पी ए, पी बी, पी सी एंड पी डी ऑल आर गिवन 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा भाई, चाइल्ड आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले एक डायग्राम बना लिया करो। ठीक है, दैट इज़ कैसे, किस तरह का डायग्राम, ध्यान से सुनो। तो यहाँ फोर पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, फोर पार्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट वन इज पी ए, दैट इज़ गिवन 1/4, है ना, सभी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। पी ए मीन्स पी बी, देन पी सी एंड पी डी, ऑल प्रोबेबिलिटी आर गिवन, दैट इज़ 1/4। तो पहले तो किसकी, पेरेंट्स की बात होगी ना, तो ये पेरेंट्स की प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे गिवन है कि व्हेन बोथ फादर एंड मदर, दोनों के दोनों लेफ्ट हैंडेड है, देन इट इज़ ए, एंड देन फादर राइट हैंडेड, मदर लेफ्ट हैंडेड, देन बी, देन फादर लेफ्ट हैंडेड एंड मदर राइट हैंडेड, देन सी, एंड फादर एंड मदर बोथ आर राइट हैंडेड, तो वो इवेंट है डी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब चाइल्ड की बात करते हैं, चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा, अच्छा यहाँ पे गिवन भी है हमको। ठीक है, एल डिनोट्स द इवेंट दैट चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। तो यहाँ चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड व्हेन बोथ आर लेफ्ट हैंडेड। ए मीन्स क्या है बेटा, ए मीन्स बोथ आर लेफ्ट हैंडेड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू बी लेफ्ट हैंडेड इज 24%, मीन्स 24/100। सेकेंड इज ऑल्सो गिवन, एल बाई बी इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, एल बाई बी इज 22%, देन 17, देन 9। ओके, 22%, देन एल बाई सी इज गिवन 17%, एंड देन एल बाई डी इज गिवन, दैट इज, है ना, 17, 9%। ओके, दैट इज 9%। नाउ अब चलते हैं व्हाट क्वेश्चंस वी हैव टू आंसर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, फाइंड एल बाई सी। एल बाई सी मीन्स द चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड, चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड व्हेन, व्हेन सी मीन्स क्या है, व्हेन फादर इज लेफ्ट हैंडेड एंड मदर इज राइट हैंडेड। तो दैट इज डायरेक्टली गिवन, दैट इज एल बाई सी इज 17/100। तो फर्स्ट का आंसर हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल बाई सी इज 17/100, दैट इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, देन नेक्स्ट वन, फाइंड पी एल बार अपॉन ए, एल बार अपॉन ए। तो सेकंड जो करना है हमको, वो करना है पी, सेकंड वन इज पी एल बार अपॉन ए, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल बाई ए, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एल बाई ए इज 24/100, है ना। सो 1/24/100, जस्ट टेक एलसीएम, दैट इज 100, 100 मल्टीप्लाई 1 माइनस 100/100, 1, दैट इज, है ना, तो कितना आ जाएगा, 76/100।
वी कैन कैंसिल इट बाई 4, दैट विल बी 19 बाई 4, 20, सही है। 4 से 4 बन जा 4, 3, 4 9 जा 36, हाँ ठीक है। अच्छा इसको 4 से करेंगे 20 नहीं आएगा, 25 आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एल। देखो एल बाई ए इज गिवन, वी नीड टू फाइंड ए बाई एल, मीन्स वी हैव टू यूज द बेज थ्योरम। पी ए बाई है ना, क्या फाइंड करना है, पी ए बाई एल, वी नीड टू यूज बेज थ्योरम। तो बेज थ्योरम क्या है भाई, पी ए इंटू एल बाई ए ऊपर आ जाएगा एंड ऑल द अदर्स आर इन द एडिशन, पी ए इंटू पी एल बाई ए प्लस पी बी इंटू पी एल बाई बी प्लस पी सी इंटू पी एल बाई सी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेज थ्योरम, है ना। तो क्या करेंगे, ए इंटू एल बाई ए, तो ए इंटू एल बाई ए मीन्स 1/4 इंटू 24%, 1/4 इंटू 24/100, और सभी के सभी नीचे आ जाएंगे फिर, 1/4 इंटू 24/100 है ना, यहाँ देखो 1/4 इंटू 24/100 प्लस 1/4 इंटू 22/100, देन दिस वन एंड देन दिस वन, चारों के चारों नीचे आएंगे। अच्छा डी और था यहाँ फॉर्मूला में लिखना था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू पी एल बाई डी, ठीक है। चलो तो नीचे क्या क्या आएगा, 1/4 इंटू 24/100 प्लस 1/4 इंटू 22/100 प्लस 1/4 इंटू देन आई थिंक 17 है, और 17 के बाद है 1/4 इंटू 9/100, ठीक है। तो ये 400 400 400 400 एंड 400 गेट कैंसिल्ड, ठीक है, सभी टर्म में कैंसिल होना चाहिए तो ही कैंसिल करेंगे। तो ये बहुत आसान हो गई इसकी कैलकुलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा टफ दिख रही थी। 24/24 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 9, तो इनको ऐड कर देना है बस। तो ये 9 एंड 17 16, 16 टू 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, 2 कैरी 3, देन 5, 5 टू 7 72, कैंसिल कर सकते हैं। तो 24 वन जा 24 थ्री जा होता है क्या, 4 थ्री जा 12, 1 थ्री जा, ठीक है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई ए बाई एल की भाई, 1/3। नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रेंडमली सेलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट इज लेफ्ट हैंडेड, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम मीन्स कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है भाई, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, एक तो बी वाली कंडीशन और एक सी वाली कंडीशन। वी हैव टू ऐड दीज टू कंडीशन ऑफ चाइल्ड टू बी लेफ्ट हैंडेड, है ना। तो क्या क्या है भाई बी ओ सी में, 22/100 एंड 17/100, इन दोनों को ऐड कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू बी लेफ्ट हैंडेड व्हेन एग्जैक्टली वन, यानी बी ओ सी था ना, दिस थिंग वी हैव टू फाइंड। तो कितना आ जाएगा भाई, सिंपल है ये तो, इन दोनों को ऐड कर दो, कौन कौन से, दिस वन 2200 एंड 1700, यही तो है, ये क्या है वन, बी देख लो ना क्या है, वॉट इज़ बी, बी है फादर राइट हैंडेड मदर लेफ्ट हैंडेड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू बी लेफ्ट हैंडेड, और इसमें क्या है फादर इज लेफ्ट हैंडेड मदर इज राइट हैंडेड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू बी लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली वन ऑफ देम है ना दोनों में, दोनों को ऐड करो, 22/100 17/100, 22/100 प्लस 17/100, दैट विल बी 9/39/100 आंसर। तो प्रोबेबिलिटी के थोड़े हार्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लो तो आसान हो सकते हैं वो, ठीक है, क्योंकि इनकी जो कंडीशंस हैं वो ही समझ में आने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन को ध्यान से 2-3 times यू हैव टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, ठीक है, टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।